नमस्कार दोस्तों टेक्निकल शोर में आपका स्वागत है आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पोको एम थ्री प्रो फाइव जी की जहाँ पे मैं इस फोन के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस तरह का ये फोन रहने वाला है जहाँ पे बात करूँ पोको एम थ्री प्रो फाइव जी की ये जो फ़ोन है वो एट तरीक को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर और यहाँ पे जो इस यहाँ पे जो है किस तरह के फोन रहेंगे क्या क्या स्पैक्स रहेगी तो ओवर व्यू में इसके बारे में प्रॉपर आपको रिव्यू दूंगा तो आपको एवरीथिंग बताऊंगा कि आपको परचेज करना चाहिए इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या रहते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट क्या रहते हैं तो क्या क्या इसको बॉक्स में देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी आपको एवरी थिंग डिटेल से प्रॉपरली बताऊंगा सबसे पहले मैं अगर आपको जैसे जैसे वीडियो आगे जाते हैं सबको सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेंगी जहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि आपको जब वीडियो के एंड में किस तरह का कोई फोन अगर लेना चाहिए तो आपको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करूँ वो भी आपको एवरीथिंग इसके बारे में डिटेल बिगार दूंगा सबसे पहले तो बॉक्स की बात करें तो पोको लिखा है एम थ्री प्रो एंड फाइव की ब्रांडिंग दी गई है और अगर मैं इसके बॉक्स के साइड में देखें तो पोको एम थ्री प्रो फाइव है तो ये आजकल मैं बात करूँ यहाँ पे तो फाइव जो है यहाँ पे इतना मतलब चला हुआ है कि हर जगह फाइव जी की ब्रांडिंग तो जरूरी मिलती ही मिलती है तो यहाँ पे तो अब फाइव जी की ब्रांडिंग भी हमें यहाँ पे इसीलिए देखने को मिलती है तो कंपनी फाइव जी यहाँ पे इतना ज्यादा जैसे कि पत्नी फाइव जी हो गया या पता नहीं क्या हुआ तो यहाँ पे फाइव जी की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है और सबसे पहले बॉक्स को ओपन OK करेंगे कि की बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है तो आराम आराम से बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं और बॉक्स के अंदर हमें एक और अंदर छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पे आपको मान लो कि यूजर मैनुअल वगैरह कवर वगैरह कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास ग्रेडिंग ब्लू कलर का यहाँ पे जो है वो स्मार्टफोन आया है इसके बाद हम दो कलर मिलते हैं येलो कलर मिलता है और एक दूसरा कलर और मिलता है और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ग्लोसी यहाँ पे जो है प्लास्टिक के यहाँ पे लिख मिली है ग्लोसी और प्लास्टिक का है यहाँ पे तो कैमरे का आउटलोडेड वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है हमें तो ग्लोवजी डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और ये जो बॉडी है वो प्लास्टिक है मेनली और यहाँ पे ग्लास डिजाइन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता और चार्जर की बात करें करिए चार्जर मिलता है और यहाँ पे जो है एक यूएसबी टू टू सी केबल मिलती है और यहाँ पे जो है पोको एम थ्री जो है प्रो फाइव जी उसमें ये कंटेंट हमें देखने को मिलता है वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और बात करते हैं अभी हम इसके प्रॉपर बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमें प्रो देखने को मिलती है क्या किस तरह का फोन हमें क्या फोन हमें इसमें जो है पोको ने इस बार पैक किया है पोको एम थ्री प्रो फाइव सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेलाइको को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए जी में सबसे तो पहले चलो दोस्तों शुरू करते हैं तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करो तो सिक्स इंच की पंच की डिस्प्ले मिलती है तो यहाँ रेट वगैरह मिलती है तो मतलब कि काफी अच्छी डिस्प्ले है फुल एच प्लस की है थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि नाइनटी हर्ट्स की अगर वन ट्वेंटी हर्ट की देते तो और भी अच्छा यहाँ पे हो सकता था लेकिन नाइनटीन हर्ट्स की है फुल एच प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और बाकी आपको बैजल्स की बात करें तो बैजल्स यहाँ पे मतलब कि बहुत ही यहाँ पे हमें कम देखने को मिलते हैं तो मतलब कि यहाँ पे जो क्वालिटी पिक्चर है क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं आईपीएस डिस्प्ले मिलते हैं सुपर एमरो नहीं देखने को नहीं मिलती है तो क्वालिटी भी इतनी मतलब अच्छी यहाँ पे मतलब तो देखने को मिलेंगे जो पिक्चर वगैरह आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि अगर बात करें तो मतलब कि काफी यहाँ पे अच्छा यह डिस्प्ले यहाँ पे लग रही है क्योंकि बैजल्स भी बहुत कम है पंच होल के साथ आती है और यहाँ पे और लुक और डिजाइन की बात करूँ तो में अगर डिजाइन के मामले में जो है फोन बहुत ही यहाँ पे कमाल दिखाता है जहाँ फाइव जी अदर बैलेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है काफी अच्छी यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ यहाँ पे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक मिल जाता है जो कि काफी अच्छी फास्टली जो है अनलॉक लॉक कर रहा है तो यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल मतलब मस्त यहाँ पे देखने को बात लगती है बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे अगर क्वालिटी भी वीडियो की क्वालिटी देखेंगे तो काफी यहाँ पे फुल एच प्लस की डिस्प्ले है तो 90 हर्ट्स का यहाँ पे डिस्प्ले है तो मतलब कि काफी जो कलर्स है वो काफी अच्छे यहां दे, देखने को मिल जाते हैं अगर आप इसमें वीडियोस वगैरह मूवीज वगैरह कोई भी नेटफ्लिक्स का कंटेंट ओटीटी कंटेंट वगैरह देखते हैं तो आपको इसमें मजा तो आएगा बिल्कुल अच्छा रहेगा क्योंकि बैटरी बहुत कम है तो अगर डिस्प्ले की बात जाए। तो की जाए ओवरऑल तो मतलब कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है बैजेस बहुत कम मिलते हैं और मतलब कि लुक एंड डिज़ाइन भी यहाँ पे बहुत ही अगर अच्छा है, हमें देखने को मिलता है बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग खतरनाक यहाँ पे देखने को लगता है लुक एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस फोन को लो लु लुक दो तो मतलब कि ओवरऑल अगर डिस्प्ले के मामले में तो ये बिल्कुल अच्छा है तो उसको कृपया करके एक फिर से लाइक करके जरूर जाएँ लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और साथ साथ में हम यहाँ पे प्रॉपर बात करेंगे की जो सेम फोन है वही है जो रेडमी एट एट गया था फाइव जी के बन के वही सेम मतलब उसी जो चिपसेट है डायमेटी सेवन हंड्रेड उसी चिपसेट के साथ हमें ये देखने को मिलता है लेकिन अगर डिजाइन की बात करो तो ऑब्वियसली जो है उससे काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है पोको को लेके वो कैमरे की तरफ बात करते हैं कैमरा हमें है क्या क्या मिल जाता है तो फोर्टी एट मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरा टू प्लस टू का मेगा पिक्सल मिलता है उसके बाद एट मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा से देखने को मिलता है मतलब की फोर्टी मेगा पिक्सल आपको प्राइमरी एंड टू मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है तो मतलब की दोनों तरफ यहाँ पे जो फीचर वगैरह देखने में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे कैमरा में और यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है वीडियो मोड और फोर के में आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं जो काफी अच्छी है हालांकि मैं बात करू यहाँ पे टेन पे में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं काफी स्टेबल यहाँ पे रहते हैं कि टेन एटी पे में करते हैं तो काफी आपको अच्छे यहाँ पे जो अगर वीडियो क्वालिटी के लिए लेना चाहते हैं फोटो के लेने जाते तो काफी अच्छा है जो की अगर मैं बात करूँ कैमरा फीचर की तो आपको वही फीचर देखने को मिलते हैं कुछ अलग फीचर देखने को नहीं मिलते जो कि ये इस प्राइस ब्रैकेट में एक फाइव फोन में हमें देखने को मिलते हैं कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन कैमरे और कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे जो फोन है वो काफी हमें अच्छा लगता है मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिप्स वगैरह यहाँ पे लिए है तो आप उसको देख सकते हैं तो यहाँ पे जो कैमरे की बात करो तो कैमरा यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अमेजिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है लो लाइट की बात करूँ तो थोड़ा सा वहां पे जो है वो कमी मुझे देखने को मिली। इतना अगर उसमें काफी ज्यादा अपग्रेड हमें देखने को अगर डालते हैं अपग्रेड तो वो काफी अच्छे हो सकते हैं और भी फोन यहाँ पे तो अगर अपग्रेड वगैरह आगे करने अपडेट वगैरह देखने को मिलते हैं तो शायद इसमें जो इंप्रूवमेंट हमें और भी ज्यादा देखने को मिल जाती है बाकी अगर रियर कैमरा की बात करूँ रियर कैमरा भी यहाँ पे काफी अच्छा है लो लाइट में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा जाता है और बात करूँ यहाँ पे जो मेन फोन की जो जान होती है वो है तो चिप सेट तो यहाँ पे अगर मैं फोन की चिप सेट की बात करूँ तो यहाँ पे गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मीडिया टेक का डायमेंड सेवन हंड्रेड जो अभी तक मतलब की काफी अच्छी चिप है फाइव जी है यहाँ पे देखने को यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है रियल मी एट फाइव जी का जो चिपसेट सेट है वही चिपसेट सेट हमें इस फोन में देखने को मिल जाते हैं तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ तो व्यू से भी, भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो आप इसका मतलब इसमें फाइव जी का मजा भी आप उठा पाएंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्मार्टफोन अगर मैं okay, क्या प्राइस ब्रैकेट में अगर लगता है मुझे जहां तक तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है आपको गेमिंग जो खेलने का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा जो मजा मिलेगा मतलब कि डेफिनेटली एकदम नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर इस टिप्स अगर इस प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए क्योंकि यहाँ पे हमें जो है अब तक का जो है क्वालकम का डैमेज सेवन हंड्रेड परसेंट मिलता है जो कि काफी अच्छा यहाँ पे चिपसेट है अगर फाइव जी की बात की जाए और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई थोड़ा बहुत अगर आप मतलब हाई ग्राफिक्स गेम या बहुत हैवी गेम खेलेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है बाकी अगर बैटरी की बात करें तो पांच हजार एमएच की हमें बैटरी देखने को मिलती है और थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग में थोड़े बहुत और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लेते तो और भी मतलब की प्लस पॉइंट हो जाता लेकिन कोई बात नहीं पांच हजार एमएच की बैटरी है तो भी काफी अच्छा है थोड़ी फास्ट चार्जिंग थोड़ी और अच्छा इंप्रूव है थोड़ी बच्ची पर अगर बात करूं तो अगर आप और पाँच हजार एमएच की बैटरी है अगर आप पूरे दिन पर गेम भी खेलेंगे तो मतलब आराम से वो चल पड़ेगा फोन ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पाँच हज़ार एम एच एक बैटरी बहुत ही यहाँ पे अच्छी यहाँ पे निकल के आ होती है मेरी बात की जाए अगर पाँच हजार एम की बैटरी की यहाँ पे जो है आप गेम की बात करो तो हाई ग्राफिक्स से आप गेम खेल सकते हैं तो गेमिंग में तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो नहीं पाएंगी लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पे मुझे ज़्यादा हीटिंग भी जब मैंने गेम कर इसमें खेली तो मुझे ज्यादा हीटिंग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली तो काफी अच्छा यहाँ पे चिप है काफी अच्छा यहाँ पे बैटरी बैकअप मुझे देखने को लगा thank <laughs> you बाकी यहाँ तो यहाँ पे ये दोस्तों थी इस फोन की जो ओवरऑल स्पाइस थी जो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बताई हुई और आपको वीडियो को पसंद आई तो कृपया कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह आपको कोई दिमाग में क्योंकि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं बाकी अगर मैं स्मार्टफोन के ओवरव्यू की बात करूँ स्मार्टफोन यहाँ पे जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा स्मार्टफोन जहाँ पे जाए इसके लुक की बात करें या फिर इसके फोन के डिजाइन की बात करें तो काफी यहाँ पे अच्छा ये फोन है स्मार्टफोन बाकी अगर मैं स्मार्टफोन की कैमरा की बात करूं तो कैमरा में थोड़ा सा यहाँ पे और अपग्रेड की जरूरत है बाकी तो कैमरा ठीक है अगर अपग्रेड अपर थोड़ा से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है बट बाकी बाकी डे लाइट में भी बाकी और भी अच्छा यहाँ पे जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएंगे तो अप्रेडेयर हो जाता है बाकी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे जो है फ्रंट मतलब रियर में तो अच्छा कैमरा सेल्फी में इतना मतलब तो खास नहीं बोलूंगा एट मेगा पिक्सल आपको कैमरा देखने को मिलता है लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए जो इस बजट रेंज में फोन आने वाला है तो उस बजट रेंज में जो फोन है बहुत ही काफी यहाँ पे अच्छा हमें देखने को मिल जाता है और मुझे जहां तक लगता है कि ये जो टक्कर देगा वो Realme 8 5G को जहाँ पे वो 15000 की रेंज में तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 15000 की रेंज से काम आएगा और ये Android 11 के साथ आएगा MIUI 12 का आपको सपोर्ट तो इसमें मिलेगा मिलेगा तो मतलब हालांकि अगर आप मतलब कि 15000 से नीचे कोई फोन लेना चाहते हैं तो अगर आप इस फोन को लेके मतलब अगर जाना चाहते हैं तो ये फोन काफी अच्छा है बाकी अगर कैमरा का लेकर और अच्छा अपडेट आता है तो और भी अच्छी बात है वरना अगर आप कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं एक फाइव जी फोन तो आई थिंक मैं आपको बोला कोई दूसरा फोन आप ले सकते ले हैं लेकिन अगर परफॉर्मेंस अगर और, 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 और मतलब की बात की जाए इस फोन को लेकर तो मतलब ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लगा अच्छा लगा बाकी आपको किस तरह का लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बैल नोटिफिकेशन जरूर दबाए ताकि आपको इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहे दोस्तों बस आज की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही खत्म करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी अगर आपका कोई भी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा फिलहाल वीडियो में इतना ही जय हिंद बंदे मातरम